टू द अनदर ब्लॉग। आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा कि मैं और मेरे कुछ दोस्त थे भानु के भाई की शादी में शरीक हुए थे। उस दिन लगन थी, लेकिन आज जानी है बारात जिससे हम जाएंगे शादी में, यानी कि गाड़ी यानी कि चाचा की गाड़ी। तो जिससे हम जाएंगे उससे पहले उसको साफ करना होगा, क्योंकि आप खुद सज्ज के जाओगे, गाड़ी गंदी रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले उसे साफ करेंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पार्किंग में। तो हमारी गाड़ी है ये, और अभी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है ये, तो उसको अभी धोना है। फाइनली गाड़ी तो मैंने साफ कर दी है, लेकिन अभी थोड़ी फ्यूलिंग करानी है। फ्यूलिंग कराने के बाद सीधे निकलेंगे हम घर की तरफ, और भी बहुत सारे काम है वो भी देखने हैं। अभी फाइनली घर पे तो पहुंच चुका हूँ मैं, लेकिन अभी जो है मुझे अपना ब्लेजर लेके आना है, जो कि मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया था। अभी फटाफट जो वो लेके आएंगे। 12 बजे का टाइम था, लेकिन अभी बच चुके हैं 4, तो लेट हो गया। मैं फटाफट लेके आऊँगा ताकि कहीं लेट ना हो जाऊँ। देखो भाई, ऐसा हो नहीं सकता कि ज़िंदगी सही चल रही हो और मुश्किलें ना आए। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों के बाद कोर्ट तो मुझे मिल गया है अभी, बहुत ही ज़्यादा मगजमारी करके, लेकिन अभी जो है मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अभी भी निकलेंगे हम सीधे जाने के लिए, और देखते हैं कि एक दो दोस्त और आ रहे हैं मेरे साथ, तो वो भी चलेंगे हमारे मेरे साथ, तो निकलेंगे फटाफट। तो फाइनली जो है हम निकल चुके हैं बारात के लिए, और अभी हमारे साथ है ये करण मेरा दोस्त, अनुराग यही मेरा दोस्त है, इसने बहुत ज़्यादा लेट कराया आज, और हमारे चाचा जी। तो अभी हम मिलेंगे आपको सीधे डेस्टिनेशन पे। A few moments later. फाइनली हम डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं, और मेरे जानते हो आप अनुराग, बानो सेक्सी लग रहा है करण, और अभी आपको दिखाएंगे हम यहाँ की वाइब्स। बज रहे हैं रात के 12:30, और चाचा जी को और अनुराग को और करण को तो मैंने घर पे भेज दिया, लेकिन अभी मैं रुक गया हूँ यहाँ पे, और मेरे साथ अभी भानु, और अभी इसके कुछ रिलेटिव थे जो जिनको भी हम घर पे छोड़ गए हैं। तो भानु के रिश्ते की मतलब बात चल ही रही है, जैसे मैंने फर्स्ट व्लॉग में बोला था किसका टाइम भी आने वाला है।
तो अभी जो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है और 10 मिनट में हम पहुँचेंगे जहाँ पे हॉल है, जहाँ पे मतलब डेस्टिनेशन है, और उसके अलावा फिर सीधे सुबह को मिलेंगे हम, विदाई मतलब पूरी विदाई विदाई करवा के सारी चीजें करवा के तभी आएंगे। सो फाइनली बहुत बढ़िया और कुशल मंगल तरीके से फेरे हो चुके हैं और इसके बाद लड़की वालों के घर हल्दी के थापे लग रहे हैं अभी, और अभी इसके बाद हम यहाँ से विदा लेंगे। बज रहे हैं सुबह के 5:30, 5:30 बज रहे हैं ना, हाँ 5:30 बज रहे हैं, और दुल्हन घर पे आ चुकी है, फेरे वेरे सारे चीज हो चुके हैं। अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर, बानु छोड़ने आया, नींद तो बहुत ज्यादा भयंकर आ रही है, दोनों को बहुत तेज मतलब तगड़ी वाली नींद, ऐसे झटके लेके आ रहे थे हम गाड़ी में, और दोनों भाइयों को हैप्पी मैरिड लाइफ, खुश रहें, बढ़िया रहें, खूब तरक्की करें, और क्या कहते हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ। इस व्लॉग पे यहीं पे एंड करते हैं, होप आप सभी को बढ़िया लगा होगा। अगेन हैप्पी मैरिज लाइफ, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ना भूलें।